गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 9। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 9 रीड करेंगे। लेसन का नेम है वर्ब। बच्चों, अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। जो वर्ब है यानी कि क्रिया है, एक क्रिया शब्द है, एक्शन वर्ड है। एवरी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। प्रत्येक क्रिया के जो क्रिया शब्द है यानी कि जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ब। ए वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट एंड एक्शन ऑफ अ बींग। एक होने की, एक क्रिया एक होने की अवस्था और क्रिया का वर्णन करती है, यानी कि एक्शन और किसका वर्ब करती है? एक तो वर्ब की बताती है कि एक होने की अवस्था, ठीक है, और एक्शन ऑफ अ बींग और क्रिया का वर्णन करती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्टॉप, गो, रन, स्लीप एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। ये सब किसके उदाहरण है? क्रिया के। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आर प्लेइंग, खेलना, तो क्या है? ये वर्ब है। नेक्स्ट है, द पोयम इज रिटन बाय अ स्टूडेंट। कविता एक छात्र द्वारा लिखी गई है। थर्ड है, डू नॉट लाफ एट द पुअर। गरीबों पर मत हंसो। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स प्लेइंग, रिटन, लाफ आर द वर्ब्स। ऊपर दिए हुए जो सेंटेंसेस हैं वो किसके हैं? प्लेइंग, उसमें क्या है? प्लेइंग, रिटन, लाफ, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। कोई भी एक्शन है तो क्या है? वर्ब है। इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स आर एंड इज आर बी वर्ब्स। ये ऊपर दिए हुए जो से हैं उनके क्या हैं? क्रिया के रूप हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं आर और इज और बी, ये सब क्या हैं? वर्ब्स। नेक्स्ट है, फॉर्म बी वर्ब। द फ्लोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। जब क्रियाओं के बीच क्या होता है कि ये किसके बारे में बताता है? फॉर्म ऑफ बी वर्ब। बी निम्न क्रिया के रूप हैं। बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस के वो दे रखे हैं कॉलम से, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का है कि फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है? अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो एम, प्लूरल की हो रही है तो आर, सेकेंड पर्सन में आर और प्लूरल में भी आर, थर्ड पर्सन में इज और आर। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या लगेगा? अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो सिंगुलर में वाज और प्लूरल में वर, सेकंड पर्सन में वर और वर, थर्ड पर्सन में वाज वर। फ्यूचर टेंस, फर्स्ट पर्सन शैल बी और शैल बी। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन विल बी और विल बी। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में भी विल बी लगेगा और प्लूरल में भी विल बी लगेगा। ठीक है बच्चों, ये भी आपको लर्न करना है, ये जो कॉलम में दे रखे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स। व्हेन द वर्ब्स बी इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड शैल वी डिल एंड डिड आर यूज्ड विद सम रिमेन वर्ब्स। जब क्रियाओं के बीच इज एम आर वर और कुछ मुख्य क्रियाओं के उपयोग किया जाता है, दे आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। उसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। शी इज रीडिंग अ स्टोरी। वह एक कहानी पढ़ रही है। फोर्थ सेकंड है, वी शैल वॉक इन द फील्ड। हम मैदान में चलेंगे। थर्ड है, दे वर गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल जा रहे थे। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड इज शैल एंड वर आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स रीड, वॉक एंड गो। ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में क्या है? इज, शैल और वर्ब किसके लिए? मेन जो वर्ड है उसके लिए यूज किया गया, जैसे कि रीड, वॉक एंड गो। सो ऑल दीज वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और इनको, इन वर्ब को जो सा यूज किया गया है, इनको क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? सकमर्क क्रिया। और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? अकमर्क क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जो सी जिस क्रिया के को अर्थ को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? सकमर्क क्रिया। दोबारा से बोल रही हूँ मैं, द वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब।
जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण दे रखे हैं। फर्स्ट है, अमन लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, अमन को दूध पीना पसंद है। सेकंड है, वी ग्रो फ्लावर्स इन द गार्डन, हम बगीचे में फूल उगाते हैं। थर्ड है, द बॉय फ्लाइज काइट, लड़का पतंग उड़ाता है। तो ये कौन सा है? ट्रांसलेटिव सकर्मक क्रिया। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ड्रिंकिंग, ग्रो एंड फ्लाई आर यूज देयर मेन वर्ब। ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में ड्रिंकिंग, ग्रो और फ्लाई, ये क्या है? मेन वर्ब्स हैं। दे हैव टेकन ऑब्जेक्ट मिल्क, फ्लावर्स एंड काइट्स रिस्पेक्टिवली। ऊपर दिए हुए ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? मिल्क, फ्लावर्स, काइट इत्यादि। कंप्लीट देयर मीनिंग, और ये क्या बताते हैं? उसके मीनिंग को क्लियर करते हैं सेंटेंस के। सो ऑल दीज वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में क्या है? ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया हैं। ये सारी वर्ब जो सी हैं वो क्या हैं? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। The verb which does not need any object to complete in meaning is known as an intransitive verb. जो मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है, the verb which does not need any object to complete the meaning is known as an क्या है? Intransitive verb. क्रिया का रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स, इसके निम्नलिखित उदाहरण है। फर्स्ट है, द गर्ल इज डांसिंग, लड़की नाच रही है। सेकंड है, द स्टूडेंट्स आर वॉकिंग, छात्र चल रहे हैं। द बेबीज क्राई, द बच्चा रोता है। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड डांसिंग, वॉकिंग एंड क्राइज आर यूज्ड एज द मेन वर्ब्स। ऊपर दिए हुए सेंटेंसेस में डांसिंग, वॉकिंग, क्राइज, ये क्या है? मेन वर्ब्स। दे डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इसमें से कोई भी जो उन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी वस्तु की, कोई भी चीज़ की क्या है? आवश्यकता नहीं है। जो अपना मीनिंग बताने के लिए उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो दीज वर्ब्स आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो इसलिए इन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? इन वर्ब्स को अकर्मक क्रिया कहा जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस। जो सी क्रिया का मूल रूप वर्तमान में है, बट वर्ब्स कैन बी पास्ट फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर फॉर्म। लेकिन क्रिया अतीत के रूप में भी हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वर्ब? स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब आर दोज विच फॉर्म ऑर देयर पास्ट फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द इनसाइड वोवल इन देम। लेकिन जो मजबूत क्रिया होती है वे स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग वर्ब वे होती है जो उनके अंदर प्रतिस्थापित करती है, करके बनाती है। यानी कि जो भी उसको क्या करती है, क्रिया वह होती है जो उनके अंदर प्रतिस्थापित करके बनाती है। वीक वर्ब। वीक वर्ब्स आर दोज विच फ्रॉम देयर पास्ट फॉर्म बाय एडिंग डी, ईडी और टी एट द एंड। वीक फॉर्म वो होती है जिसके पास्ट फॉर्म में क्या ऐड होता है? लास्ट में डी, ईडी और टी लगा होता है, वो होती है वीक फॉर्म वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी एट द एंड ऑफ द वर्ब। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी एट द एंड ऑफ द वर्ब। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसके एंड में क्या होता है? आईएनजी। वर्ब के लास्ट में आईएनजी ऐड होता है। फ्यूचर फॉर्म्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग शैल और विल बिफोर द वर्ब। फ्यूचर फॉर्म में जो भी हमारी फ्यूचर फॉर्म में क्या होगी? वर्ब की फॉर्म से पहले शैल और विल ऐड होता है। ठीक है, एडिंग होती है शैल और विल की। Now again read this topic, forms of verb. The original
फॉर्म ऑफ वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, जो सा ओरिजिनल फॉर्म होती है क्रिया का मूल रूप होता है वो वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस में है. बट वर्ब्स कैन बी पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर फॉर्म. लेकिन क्रिया अतीत के रूप में, यानी कि पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर फॉर्म में यूज होती है. फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्ब, यानी कि मजबूत क्रिया. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म ऑफ देयर पास्ट फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द इनसाइड वोवल इन देम. जो उनसी मजबूत क्रिया होती है वह होती है जो उनके अंदर प्रतिस्थापित करके बनाती है. वीक वर्ब, वीक वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म देयर पास्ट बाय एडिंग डी ई डी टी एट द एंड. वीक वर्ब, वीक कमजोर क्रिया वे होती है जो डी ई डी DEDT को जोड़कर उनके पिछले रूप को बनाती है, यानी कि उनके जो एंड वाला है उसमें क्या लगा होता है, DED और T. नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ING एट द एंड ऑफ द वर्ब. भविष्य के रूप में वे हैं जो क्रियाएं के लिए पढ़ने या बनने से बनती हैं, यानी कि जो लास्ट में क्या होता है वर्ब से ING उसके वर्ब के एंड में लगता है. फ्यूचर फॉर्म्स में आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग शैल और विल बिफोर द वर्ब्स. फ्यूचर फॉर्म्स में क्या होता है कि लास्ट में जो सी उस वर्ब की वर्ब से पहले शैल या विल का यूज होता है, उसका उपयोग होता है फ्यूचर फॉर्म्स में. लिस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स, ये कुछ फॉर्म दे रखी हैं वर्ब की, इसको रीड करते हैं. पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल. डील, डील का क्या होता है पास्ट टेंस, डील्ड और डाइल्ड, ठीक है. ड्राइव, ड्राइव का पास्ट टेंस क्या होगा, ड्रॉव, ड्राइवन. फॉरगिव, फॉरगे, फॉरगिवन. नेक्स्ट है गेट, गेट का प्रेजेंट में क्या होगा, गेट. पास्ट में गॉट और पास्ट पार्टिसिपल में गॉट, गो, वेंट, गोट. हैंग, हंग, हंग. ईट, एट, ईटन. Fight, fought, fought. Fall, fell, fallen. Feel, past tense क्या होगा, felt. Past participle, felt. Next है mistake, mistake, mistook, mistaken. Pay, paid, paid. Push, pushed, pushed. Bring, brought, brought. Burn, burnt, burnt. Catch, caught, caught. Call, called, called. Arise, arose, arisen. Awake, awoke, awaken. Bear, bore, born. Begin, begun, begun. Bite, bit, bitten. Break, broke, broken. Come, came, come. इसी प्रकार ये जो सी वर्ब की फॉर्म दे रखी हैं, इसे आपने लर्न करना है. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 9 रीड किया है. आई होप आप सबको समझ आया होगा. आपको घर पर इसे दोबारा से रीड करना है, वह समझना है. डियर स्टूडेंट, जो भी काम आपको स्कूल से होमवर्क में दिया जाता है वह अच्छे ढंग से को फेयर कॉपी में लिखें, वह याद करें. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.